Hello students, good morning to all of you. Today I am going to teach you English grammar for class 12. In your English grammar you will see syntax. You will find syntax. In syntax, I will teach you rules of verb, correct uses of verb in a sentence. Dear students, I taught all of you in my previous videos. In my earlier first and second part of the video, where I taught you just few rules of verb. Rule number 1, 2, 3, 4, and 5. These 5 rules I taught you earlier in my previous videos. In the continuation of the same rule, today you can see rule number 6. Here in rule number 6 you can see, if two singular subjects linked with an and each and every are used before these singular subjects, we use singular verb in the end. Make it very clear. I would like to give you detail. Just the sixth rule. When two or more than two singular subjects linked with and, certainly, as I taught you in my previous video, we use plural verb. But here in this rule number 6. As you have seen here on the background, if two singular subjects linked with an and, but each and every both words are used just before these singular subjects, then certainly we use singular verb. Once again you can see, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, किंतु उनके पूर्व ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी अंत में इसके पश्चात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस बताया था आपको, वहां पर हमने ये बताया कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर एंड से जुड़ जाएं, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। एंड जुड़ने का मतलब प्लूरल हो गया, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। लेकिन अगर इनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो गया, तो वो सिंगुलर डिनोट करते हैं, भले ही वो एंड से क्यों ना जुड़े हों। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, each man and every boy has worked hard. Make it very clear what I am going to tell you. Each man, here you will see man, boy. Man is also singular subject. Here boy, singular subject. Both linked with and. लेकिन इन दोनों के साथ boy के पहले every जुड़ा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं। Boy के ठीक पहले every है। Man के ठीक पहले each का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि
कि जैसे ही ईच का प्रयोग आपने यहां किया तो ये सिंगुलर यहां पर पूर्ण रूप से सिंगुलर हो जाएगा। यहां पर भी ये प्लुरल सिंगुलर तो था और सिंगुलर हो जाएगा, एंड से जुड़ने के बाद भी ये सिंगुलर ही रहेगा। और यहां पर जो मुख्य रूप से आपको बताना था वो ये कि वर्ब इसका सिंगुलर होगा। यहां पर आप देख रहे हैं हैज होगा। इट मींस टू से दैट यू कैन नॉट यूज योर प्लुरल वर्ब हियर, यू विल ऑलवेज यूज योर सिंगुलर वर्ब। हैज का प्लुरल मतलब सिंगुलर वर्ब हुआ। अगर यही हम हैव का प्रयोग करते तो ये प्लुरल हो जाता। इसलिए जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से भले ही जुड़े हों किंतु उनके पहले ईच या एवरी आए तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं कहूं वेरी गुड। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, रूल नंबर 7। इफ टू आर मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिंक्ड विद एंड Suddenly we use singular verb around the subject. यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर डॉट 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 आर या नाइदर नॉर या और से जुड़े हों, ओ आर और से जुड़े हों, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आपको जानकारी है आइदर माने ये, आर माने ये, दोनों में जो वैकल्पिक व्यवस्था दी गई तो इसका मतलब वो सिंगुलर होगा। इसीलिए अगर दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो वहां पर वर्ब बीच के साथ सिंगुलर ही होगा। जैसे एग्जांपल तौर के लिए आइदर राधा और हर फ्रेंड is writing an essay. Example देखिए, यहां पर राधा सिंगुलर है, राधा इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, राधा ये सिंगुलर सब्जेक्ट। हर फ्रेंड इज आल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इन दोनों के साथ एंड नहीं है। इन दोनों के साथ यहां पर आप देखिए आइदर, यहां पर आइदर आर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए और वो सिंगुलर वर्ब है यहां पर इज। इसको आप ध्यान देखिए, ये जो इज है ये सिंगुलर है, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर आइदर आर नाइदर नार या और से जुड़े हो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मेक इट वेरी क्लियर, ये बहुत आसान है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल नंबर 8। इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अनदर प्लुरल सब्जेक्ट लिंक्ड with either or neither nor or we use plural verb in the end. Just you can see this is another second example how you can understand. अभी हमने आपको बताया कि दो singular subjects either or से जुड़े हो तो और singular होगा, लेकिन अब उसमें से कोई एक singular subject और दूसरा plural subject हो तो plural subjects को अंत में लिखते हुए यानी प्लुरल सब्जेक्ट का बाद में प्रयोग करते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि उस प्लुरल सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखना है, उसको अंत में ही लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में लिखना है। आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे
इसी के ठीक अगेंस्ट यहां पर आइदर राहुल और हिज ब्रदर्स, आइदर राहुल और हिज ब्रदर्स वेयर प्लेइंग इन द फील्ड. You can see here, either Rahul, Rahul is singular subject. But here in the second way, you will find his brothers. His brothers means this is plural subject. So we use the plural subject in the end, in the last, and just according plural subject, we use plural verb. Here, where. Where is what? Where is your plural verb? You can see here on the blackboard. जब कोई दो यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नाम से जुड़ा हो तो हम अंत में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. अब यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर हमने दिया भी कि आइदर राहुल, राहुल सिंगुलर है लेकिन हिज ब्रदर्स, यहाँ ब्रदर्स प्लूरल है ना, इसी के अकॉर्डिंग वेयर का प्रयोग किया गया. आइदर राहुल आर हिज ब्रदर्स वेयर प्लेइंग इन द फील्ड. और यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ब्रदर्स को अंत में यानी प्लूरल को अंत में लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9, इफ पर्सन, व्हाटएवर आई टेल यू इन माय लास्ट वीडियोस वेयर आई टेल यू रूल्स ऑफ प्रोनाउन, इन रूल्स ऑफ प्रोनाउन how you will use just the three persons in a sequence. First of all, you will use second person, then third person, and in the end, first person. So second person, third person, then end, first person. So similarly, here in your rules of verb, you will apply the same thing. How? You can say here, rule number 9, if first person, second person and third person linked with either are, neither, nor, are. So we use just the verb just according to the last pronoun, last person. If the last person, it means you will find if there are all these three persons, second person, third person and first person. So we use according to the first person. If there are only two person, first person or second person or third person, then we use the sequence like earlier rules and then we use pronoun, we use verb according to the end of pronoun. यानी हमने आपको इसके पहले person वाले rule में यह बताया था, जब हम pronoun पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जब तीनों pronoun एक साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त हों तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. यह आप पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ रूल्स ऑफ वर्ब में भी आपको सिमिलर कंडीशन है कि अगर तीनों एक साथ हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेकंड पर्सन यूज करिए, फिर थर्ड पर्सन यूज करिए और अंत में फर्स्ट पर्सन यूज करिए. और जो वर्ब है वह भी उसी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा, तब आपका जाकर यह है सही होगा, भले ही वो आइदर आर नाइदर ना थे, वे हो आपका जो अंत वाला है उसी अंत के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है. देखिए जैसे यू कैन सी एग्जांपल, यू आइदर, यू आइदर, यू आर, ही हैज प्लेड वेल. हियर यू कैन सी आइदर ही, आइदर यू आर ही. यहां पर आप देखिए यू है, यहां पर ही है, तो हैज का प्रयोग जो यानी वर्ब है यह इसके अकॉर्डिंग यानी ही के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग हुआ.
अब यू के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर ये चूंकि अंत में ही है इसी के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग होता। यदि तीनों था आइदर आइदर ई आई टी एच ई आर आइदर यू आर ही आर आई तब वहां पर है प्लेड विद एंड कैन था। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को इस तरह से यूज करते हैं। सी नाउ आई विल गिव यू माय नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो नेक्स्ट रूल इन माय फोर्थ वीडियो।